अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को हमेशा खुश रखिए। अच्छा जी, काफ़ी बहन भाई जो है ना कह रहे थे कि आपने मेरे शॉपी लिबास की सलाह करवाई है, तो आप वजी मैन के पास भी जाएं। काफ़ी देर से काफ़ी बहन भाई कह रहे थे, अपनी मैं तो पहले से नाराज़ थी, तो बस अपनी घर की मसरूफियत की वजह से, और भाई जिवे का भी ऑपरेशन हुआ हुआ था और भाभी आसिया का भी हुआ है, उसके बाद जो है ना घर के काम शाम भी थे और छोटी मोटी सौ जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं नहीं आ सका था। आज भी बस आए हैं, तो बस वो थोड़े काम के सिलसिले में आए थे, और उसके बाद फिर मैंने शुरू में स्टार्ट में ही आज सुबह कह दिया था कि हमने फतेहपुर जाना है, तो अभी मैं के पास में मैंने जाना है। काफ़ी बहन भाई भी कह रहे थे, मेरी खुद की ख्वाहिश भी थी कि चलिए आप ही मेरे के पास भी जाएंगे। भाई आवाज़ तो आए थे, लेकिन मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बस घर में बिजी था, तो बस अभी आप ही से बात करते हैं। और काफ़ी बहन भाई ये भी कह रहे थे कि आप जाएं अपनी अमेरिका के पास, उन्हें समझाएं। एक तो ये चीज़ होती है कि जब भी भाई आ जाते, जाहिर सी बात है बहनों को खुशी भी होती है, और बहन आ जाए या भाई आ जाए, दोनों ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना तो ख़त्म होने वाले होते हैं ना ही इनमें नाराज़गी भी होती है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जो बहन भाइयों के रिश्ते में। तो जब हम लोग वहाँ थे, हम लोग लड़ भी लेते थे और सुलह भी हमारी होती थी, और मेरा और आपकी मैंने का ये सीन था कि हमें एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, मेरी तो अगर कभी नहीं लड़ाई हुई तो मेरी तो प्याज थी नहीं हुई के पास, तो मेरी तो प्याज बड़ी हंस थी, थी। बास ना थोड़ी वजन थी लेकिन प्याज ना ना बचपन भी नहीं हुई, बड़ी वजन नहीं हुई। बाद में शादी हो गई सी, जेड़ा भी मतलब भाई प्याज को परेशानी हुई या कोई खुशी की खबर होनी, मैं शादी मान पढ़ के बैठना भाई प्याज को कितनी देर भाई चाय बना के देनी, और बैठने से सारे दुख सुख जरा बोल लेते थे। लेकिन भाई प्यार मैं गाल करता सी, मैं गुस्से के बीच ना सुनी अम्मी की कॉल ना सुनी, प्याज की कॉल किसी की भी मैं कॉल जरा ना नहीं सुनी, क्योंकि मैं गुस्सा सी करा। इस करके पहले मैं अपने दिल का उबाल घर दवाना, पहले मैं अपने मैं भैया भी दस मैं सारी गल से प्याज दूरी जी कर लवान, क्योंकि मैं तो छोटा वा जिन्हें मैं कर सकती हाँ। तो ये सच नहीं सी कि मैनू तुसी जरा ना काकी का वादा किया मन निगरानी गल आ मेन कह के मुकर। अच्छा जी, मैं तो इस मामले च नहीं आया, मैं हाँ जी गल है सी, बाकी दूसरी चीज ये है कि मैं इन्हों भी नहीं किया, मैं इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन जिस हद तक अभी राय सी वो अभी राय दी भाई जवेद की, तुम चैनल पर भी देखी होगी उस टाइम बहुत से बार मैंने मेरे तनकीद भी की थी, लेकिन मैं ये क्या कि असं सिर्फ अपनी राय दी है जिस तरीके असं थोड़े सब भैन भाइयों देखना ने को राय ली सी, आप साढ़े व्यूअर को असी राय ली सी, असी भी अपनी असं उस घर के मैंबर हाँ साढ़े भाई हाँ, असं अपनी असी नहीं राय देनी तो कहने देने असं एक दूसरे का मशवरा की करा, उन्होंने मशवरा किया असं उन्होंने यही किया कि तुम जरा वा ना बेबी दे दौ, तो अबू जी उन्होंने भी ख्वाहिश है कि चलो कोई गल नहीं इतने हुई या उत हुई वो साड़ी है साड़ी कहने वहाँ उधर भी धीजल भी हुई तो वो भी साड़ी बेटी है इस घर की थोड़े को बैठे हो, तो बाकी साढ़े वास्ते फैसला करना मुश्किल से क्योंकि एक तरफ भैन से एक तरफ भाई है सी। बाकी जो खुशी रहो कोई नहीं, अल्लाह तला दे ते बाकी जो छोटी मोटी गल बेहतरीन कोई होंगे वा कि नाजा गल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ
ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਛੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ
खान पीन का ख्याल रखना, यही औरत को चाहिए होंगे वा। मेन गल सब तो बड़ी उस तो भी रोटी करती फिर मेरा गुजारा हो जाता, सब तो बड़ी बस मैं बस इज्जत दे रही हूँ। मैं भी ना दे रहे अख सद के बोले तो अभी कदम नहीं बोलना, मैं बस बड़ा समझाया वा, बड़ा समझाया, लेकिन मैं बस फिर भी करती है अभी घर वापस पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर हैं सबकी रिक्वेस्ट थी कि अभी हमारे के पास जो उन्हें मनाऊं। और बहुत से बहन भाई ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे कि बहनें जो होती हैं ना मानी जाती, उन्होंने क्या कहना होता है जब भाई वापस वहाँ चले जाएँ उनके घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, अभी हमारा ने कोई बात नहीं की, मान चुकी हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी आएंगी क्योंकि अभी आंटी जी का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से आंटी जी उन्हीं के पास होती हैं। तो उसके बाद जब आंटी जी ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप ही हमारा चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह, और रहने के लिए भी आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो मुझसे हो सका मैंने किया, उन्हें समझाया। और अभी लाइट जा चुकी है जी, आंखें दर्द कर रही हैं, आज बाइक पे गए थे और मेरे पास ऐनक नहीं थी, ऐनक भाई अब्बास के पास थी, वो कह रहे थे लगा लें आप चला रहे हैं, तो मैंने नहीं लगाई क्योंकि अभी रोड बन रहा है, वहाँ से बड़ी कोई भी गाड़ी जाती है तो इतनी वो डस्ट आती है आँखों में। अभी आँखें मेरी आप देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो अभी मुझसे देखा नहीं जा रहा कैमरे की तरफ। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, अगर किसी बहन भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। इसी के साथ ओके, अल्लाह हाफिज़।